ऊर्जा मंत्री आरके सिंह कर रहे हैं बैठक। देश में गहराए पावर संकट को लेकर यह बैठक फिलहाल चल रही है। बड़ी खबरें बता रहे हैं, बिजली कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक जारी है। बिजली घरों में काफी कम बचा है कोयले का भंडार, डिमांड के मुकाबले बिजली की उपलब्धता कम है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। ऊर्जा मंत्री आरके सिंह इस वक्त बैठक कर रहे हैं और बिजली संकट गहरा गया है, कोयला कम है, डिमांड ज्यादा है, ऐसे में बिजली आपूर्ति कैसे हो पाएगी, क्या रास्ते निकाल पाएंगे यहाँ पर, उसको लेकर ये फिलहाल बैठक चल रही है। देश में पावर संकट गहराता जा रहा है, बिजली कंपनियों के अधिकारियों के साथ इस वक्त बैठक चल रही है। पवन इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। पवन, दिक्कत है यहाँ पर, जाहिर तौर पर संकट मंडरा रहा है, लेकिन उससे पार पाने के लिए बैठकें शुरू हो चुकी हैं। अभी क्या जानकारी इस बैठक को लेकर? पवन, आपको आवाज मिल रही है हमारी? चले पवन पे जाने की कोशिश, मैं आपको बता दूं। जी बिल्कुल, देखिए आपकी आवाज मुझे मिल रही है और मैं आपको बता दूं कि आप कोयले का जो संकट है वो आया हुआ है और पावर यूनियन मिनिस्टर के घर पर इस समय मैं आपको बताऊं कि वो बैठक चल रही है, जिसमें बीएसईएस के जो अधिकारी हैं और टाटा पावर कॉर्पोरेशन के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और इस क्राइसिस पर चर्चा शुरू हो गई है। क्योंकि जिस तरीके से साफ एक बात निकलकर सामने आई थी कि कोयले की किल्लत के कारण जल्दी ही कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश है और इसके समेत अन्य राज्य है वहां पर बहुत ज्यादा कटौती होने वाली है और दिक्कतों का सामना आम जनता को करना पड़ेगा, उसको देखते हुए ये बैठक शुरू हो चुकी है और पावर मिनिस्टर आरके सिंह के घर में ये बैठक की जा रही है, उनके आवास पर ये बैठक की जा रही है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि बीएसईएस, टाटा पावर्स और जो और भी अन्य अधिकारी जो है वो मौजूद हैं और ये चिंता जताई जा रही है, ये कोशिश की जा रही है कि कोई रास्ता निकाला जाए कि इस पावर क्राइसिस को किसी तरीके से दूर किया जाए और आम जनता को इससे दिक्कत ना हो। क्योंकि कल के दिन से सोमवार से ये कहा गया है कि आने वाले दिनों में 3 से 4 घंटे हर जगह पे, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, कहीं पर भी और मान से जो 80 मेगावाट जो है कम बिजली लोगों को मिल रही है, इसका साफ तौर पर कहीं ना कहीं असर जो है वो देखने को मिलेगा। आपको अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में नोएडा, ग्रेटर नोएडा भी आता है, यहाँ पर भी बिजली संकट आने वाला है और करीब 80 मेगावाट कम बिजली मिल रही है। नतीजा जिसका ये होने वाला है कि 3 से 4 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में, 4 से 5 घंटे औद्योगिक क्षेत्रों में और 2 से 3 घंटे शहरी क्षेत्रों में ये कटौती लगातार चलेगी। बिल्कुल, यानी कि कटौती भी लगातार चलेगी और इसी से बेड़ा पार पाने के लिए फिलहाल बैठक का सिलसिला चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारी देने के लिए।